हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप लोग सब अच्छे होंगे, गर्मी इंजॉय कर रहे होंगे, या गर्मी के साथ साथ जो हमें एक एक्स्ट्रा बोनस मिलता है लोड शेडिंग का, वो भी इंजॉय कर रहे होंगे। आज जो वीडियो मैं एक्चुअली बना रहा हूँ, एक्चुअली आपको कुछ दिखाना है मैंने, जो कि आज फनी टॉपिक नहीं है, एक सीरियस टॉपिक है जिस पर मैंने बात करनी है। 2 दिन पहले मैं UCP में गया, UCP ड्रामेटिक सोसाइटी की तरफ से मुझे इन्वाइट किया अनीक रहमान ने। इंस्टाग्रामर है, स्टूडेंट है बेसिकली वहाँ का, और इवेंट मैनेजमेंट का था काम उनका। वहाँ जो भी इवेंट था वो उन्होंने मैनेज किया हुआ था, और थैंक यू भी करना चाहूँगा मैं उनका कि उन्होंने मुझे इतने अच्छे और ज़बरदस्त शो पे बुलाया। शो बेसिकली जो वहाँ पे थिएटर था, वो उसका जो टॉपिक था वो था ट्रांसजेंडर, कि ट्रांसजेंडर्स के साथ हमारी सोसाइटी में नहीं बल्कि हम लोग उनके साथ क्या करते हैं, क्या हमारा उनके साथ रवैया होता है, और किस तरह से उनकी सोसाइटी, इवन के उनके घर वाले जो होते हैं वो भी उनको, मतलब पैदा जब होते हैं ना, वो गाली समझने लग जाते हैं, जो कि एक नहायत मेरे ख्याल से शर्म वाली बात है हमारे लिए कि हम अपने खून को इस तरह से धुतकार देते हैं। तो वो जो एक पूरा ड्रामा था, एक थिएटर था, वो पूरा उस पर बेस्ड था, जो कि एक बहुत पॉजिटिव इशू था, और मेरे ख्याल से हर किसी को इस बारे में अवेयरनेस होनी चाहिए। वुमेन एम्पावरमेंट की हर कोई बात करता है, लेकिन जो हमारे ट्रांसजेंडर्स हैं, जो हमारे पाकिस्तान में हैं, जिनको अगर अच्छी एजुकेशन दी जाए तो उनको एक जो है ना, आप कह लें कि बड़े पावरफुल तरीके से यूज़ किया जा सकता है। इसी तरह हमारे ट्रांसजेंडर हैं वो माविया मलिक, ठीक है, आई एम सॉरी अगर मैं नाम गलत ले रहा हूँ, लेकिन आई गेस उनका यही नाम है, ठीक है। वो वहाँ पे स्पेशल गेस्ट थी, तो वहाँ पे उन्होंने जब वो प्ले देखा, उन्होंने बड़ा पॉजिटिव लिया, और आप ये देखेंगे उन्होंने अपना मुकाम जो है सोसाइटी में किस तरह बनाया। वो फर्स्ट जो हैं वो मॉडल भी हैं, इसके अलावा ट्रांसजेंडर मॉडल भी हैं, ट्रांसजेंडर न्यूज़कास्टर भी हैं। हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान के कोई पहला ट्रांसजेंडर है जो इस तरह से, मतलब इन हुआ है। तो हमें बेसिकली इन लोगों को पावर देने की, बेसिकली ये लोग चीज़ एक मांगते हैं, रिस्पेक्ट। मेरे ख्याल से हम लोग अगर अपनी रिस्पेक्ट नहीं ना करते, हम अपनी औरतों की रिस्पेक्ट नहीं करते, तो इनको क्या रिस्पेक्ट देंगे? तो यार ये हम पे एक बहुत बड़ा फ़र्ज़ है कि हम लोग इनको रिस्पेक्ट दें, इनको अच्छे तरीके से ट्रीट करें इन लोगों को। और ये अगर किसी फील्ड में आते हैं, बजाय कि इनका मजाक उड़ाने के, हम लोग इनको अप्रिशिएट करें, ठीक है। तो बाकी जो वीडियो है, वीडियो का जो हिस्सा है, वो मैंने वहाँ पे बैठ के, जो वो हमारी ट्रांसजेंडर न्यूज़कास्टर थी माविया मलिक, उनकी मैंने रिकॉर्ड किया सारा, और उन्होंने अपनी एक स्टोरी बताई हमें कि उन्होंने क्या क्या मुश्किलात देखी। तो मैं ये चाहता हूँ कि ये जो वीडियो है, व्यूअर वीडियो बेशक आप कोई शेयर ना करें, लेकिन ये जो वीडियो है इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, उनकी स्टोरी भी शेयर हो, पता लगे लोगों को कि वो लोग किस तरह से स्ट्रगल करते हैं, इवन के उनके अपने घर वाले उनको सपोर्ट नहीं करते। और जो मेन चीज़ होती है, जब आपके घर वाले आपको सपोर्ट करना बंद कर दें, तो मेरे ख्याल से आपके लिए ना इस सोसाइटी में जीना सबसे ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो काइंडली आप उनकी वीडियो देखें, आगे जो उन्होंने अपने बारे में बताया, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि लोग देखें और उनको एक अवेयरनेस मिले कि यार ये जो एक, आप कह लें, अल्लाह माफ़ करे, जिसको आप चलते फिरते हम लोग खुसरा, हिजड़ा या कुछ भी कह देते हैं, किसी को कहना बहुत आसान होता है, लेकिन उसकी जगह पे बैठ के जब आप सुनते हैं ना बात, तो सीरियसली दिल पे लगती है बात। तो आप काइंडली, हमें ह्यूमैनिटी की इज़्ज़त करनी है, हमें इन लोगों की इज़्ज़त करनी है। तो थैंक यू, आपने वीडियो देखी, बाकी आप मज़ीद ये वीडियो देखें, और आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि हम वुमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं, ट्रांसजेंडर एम्पावरमेंट की बात भी अब होनी चाहिए। और बड़ा रिस्की सा टॉपिक था ये, लेकिन इंशाल्लाह मैं इसको अपने चैनल पे इसीलिए अपलोड कर रहा हूँ, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखें, और यार इनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए हमें। थैंक यू, बाकी आप वीडियो देखें और इस वीडियो को एंड तक देखें, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू। मैं रुकूंगी, आज मैं बहुत ज्यादा इंजॉय करूंगी।
बट मैं जो सोच के आई थी कि मैंने क्या क्या बोलना है, क्या क्या कहना है, तो मुझे नहीं लगता मुझे कुछ कहने की जरूरत है। तो प्ले इतना जबरदस्त था, इतना जबरदस्त था कि मुझे कुछ कहने की जरूरत ही नहीं। इस प्ले में सब कुछ, सब हकीकत को एग्जैक्टली वैसे ही बयान किया गया जो कि एक ट्रांसजेंडर की लाइफ में ही सब कुछ। लेकिन फिर भी मैं अपनी स्टोरी शेयर करना चाहूंगी। 23 मार्च को एज अ पाकिस्तान फर्स्ट ट्रांसजेंडर न्यूज कास्ट में ये मैं कैसे कर सकती, ये बहुत बड़ी वजह है जिसके जिम्मेदार आप सब भी हैं। मे बी ये प्ले देखने के बाद आपकी थिंकिंग चेंज हो गई हो या हो जाए, उम्मीद करती हूं। लेकिन इससे पहले की अगर बात करूं तो उसके जिम्मेदार आप सब भी हैं, क्योंकि आप लोग अपॉर्चुनिटीज नहीं देते। मुझे मेरी लाइफ में अपॉर्चुनिटीज मिली। मैंने सबसे पहले फैशन इंडस्ट्री में हिस्ट्री कायम की। आज तक कोई भी ट्रांसजेंडर मॉडल रनवे पे एज अ शो स्टॉपर परफॉर्म नहीं कर चुकी। मुझे अपॉर्चुनिटीज मिली, मैंने वो करके दिखाया। उसके बाद एज अ न्यूज कास्टर मुझे अपॉर्चुनिटी मिली, मैंने वो करके दिखाया और मैंने साबित किया कि ट्रांसजेंडर से कम नहीं है। मुआशरे के उन गंदे लोगों के मुंह पे चिपेड़ मारी जो ये कहते हैं कि ट्रांसजेंडर से सेक्स वर्क करवा सकते हैं, नाच सकते हैं। कहने का मतलब ये है, अगर मैं ये सब कुछ कर सकती हूँ तो बाकी के ट्रांसजेंडर्स को अगर अपॉर्चुनिटीज दी जाए तो वो क्या कुछ नहीं कर सकते। रिस्पॉन्स बहुत ज्यादा नेगेटिव था। ये प्ले देखने के बाद ना एक्चुअली मेरे होशो हवास अब तक कायम नहीं है। शायद मैं रात को सो भी ना पाऊं और 12 से लेकर 1 बजे का बुलेटिन भी ना कर सकूं। बचपन से फैमिली का रिस्पांस बहुत ज्यादा नेगेटिव था। सबने मुझे एलियन समझा, नॉर्मल इंसान नहीं समझा। बाकी कजन की और बाकी सारे बहन भाइयों की चीजें बहुत जल्दी ना उनको मिल जाया करती थी, उनकी जरूरियात पूरी हो जाती थी। बट मैं कोई भी चीज मांगती तो मुझे कह दिया जाता कि तुम इस काबिल हो, पहले इस काबिल तो बन जाओ। फिर स्टडी स्टार्ट हुई तो काफी स्कूल में प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा। हर बच्चा लड़कियों के साथ बैठो तो वो कहते तुम क्या यहाँ पे आके बैठो, लड़कों के साथ जाके बैठो, लड़कों के पास बैठो तो वो मजाक उड़ाते, यार तुम ऐसे क्यों चलते हो, तुम खुसरे हो, जनाने लगते हो तुम, ऐसे मत चला करो, ऐसे मत बैठा करो, तुम एक मर्द हो, मर्द बन के ये हमारी तरह चलो, अकड़ के चलो, जरा बाजुओं को सीधा रख के चलो। तो काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा कि यार मैं तो कुछ और हूँ, ये मुझे कुछ और क्यों ट्रीट कर रही है। तो उसके बाद कॉलेज लाइफ में आए तो कॉलेज लाइफ में मेरे फ्रेंड एक यहाँ पे बैठे हैं जिनकी वजह से आज मैं यहाँ पे हूँ, रिजवान ख्वाजा नाम है उनका। इंटरमीडिएट हम दोनों ने इकट्ठे किया ना, तो ये मेरी हर चीज को बहुत अच्छी तरह जानते हैं। मेरा क्या बॉडी स्ट्रक्चर था और मेरी क्या फैमिली इश्यूज थे, मेरे क्या प्रॉब्लम्स थे और कॉलेज लाइफ मैंने कैसे गुजारी, मेरी सब चीजों का इनको बहुत अच्छी तरह पता है। तो काफी ज्यादा मुश्किल का सामना करना पड़ा, जैसे कि फैमिली में सपोर्ट नहीं थी वैसे सोसाइटी में भी एक्सेप्टेंस नहीं थी। तो बस ऐसे लगता था कि नहीं यार अब बस जिंदगी खत्म हो गई है। मैंने काफी ज्यादा सुसाइड करने की भी अटेम्प्ट करने की कोशिश की काफी दफा, लेकिन फिर ये सोच के ये कदम नहीं उठाया कि यार आखिर कोई ना कोई तो ऐसा होगा ना जो इस चीज को बदलेगा, जो अपने आप को साबित करके दिखाएगा कि नहीं मैं इस काबिल क्यों नहीं। आए दिन घर पे बहुत सी मुश्किलात थी, सबको यही कहते थे कि तुम घर से चले जाओ। अगर कोई भी, जैसे कि मैंने पहले बताया कि चीज मांगी थी ना, तुम इस काबिल हो, ये जो वर्ड्स थे तुम इस काबिल हो, पहले इस काबिल तो बन जाओ।
मैंने एक माह के अंदर अंदर अपने आप को इस काबिल बनाया है। मैंने मेकअप आर्टिस्ट का कोर्स किया, एज अ मेकअप आर्टिस्ट मैंने काफी ज्यादा क्लोथ्स में काम किया, फाइनेंशियली अपने आप को स्ट्रॉन्ग किया, स्टडी की। उसके बाद मुझे मॉडलिंग की ऑफर आ गई, मैंने काफी ज्यादा शूट्स करवाए और जैसे कि मैंने कहा एक माह के अंदर अंदर अपना को साबित करके दिखाया। तो 9 मार्च को पीएफपीसी सनसिल्क में एज अ ट्रांसजेंडर शो स्टॉपर